मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का स्मारक बन चुकी है और जिस तरह माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गोविंद सिंह जी यहाँ पधारे हैं और आपसे रूबरू हुए हैं, उन्होंने उन पीड़ित पक्षों से भी अभी जानकारी ली है जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। सरकार के दावे, चाहे वो मंत्री 24 घंटे यहीं सो लें, मगर सरकार के और मंत्रियों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजे के नाम पर राजनीति की जा रही है और यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह वक्त राजनीति का नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वो मंत्री कौन है जिसका रिश्ता इस कंपनी से है, उन मंत्री का नाम बताएं मुख्यमंत्री जी कि किस मंत्री के उस कंपनी के कॉन्टेक्ट हैं और सबलेट किस कंपनी ने किसको किया है और वो ब्लैक लिस्टेड है या नहीं। एक माह पहले भोपाल के कालियासोत का डैम टूटा है जो एक साल पहले बना था, उसमें तो मुख्यमंत्री जी खुद अध्यक्ष हैं MPRDC के, वो डैम कैसे 529 करोड़ का टूट गया, 304 करोड़ का या निर्माणाधीन डैम कैसे टूट गया। ये अधिकारियों का, मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का एक नेक्सस इस भ्रष्टाचार में शामिल है और इन सबको जेल हमारी सरकार आने के बाद हम भिजवाएंगे।